दोस्तों मैं अपना गिनी फॉल बटेर टर्की को एक ही फीड खिलाता हूँ। उस फीड का नाम है दोस्तों लेयर फीड, और लेयर फीड को मैं इसके अंदर रखा। और ये देखिए दोस्तों, ये ना खाली है। मैं तो घबरा गया था कि इन लोगों का फीड खत्म हो गया है, बट शुक्र है कि दोस्तों इन लोगों का जो फीड है दोस्तों वो अलग करके थोड़ा कुछ यहाँ पर रखा गया था, इस बैग के अंदर है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं सभी को खिलाऊंगा दोस्तों। इसका जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। इन लोगों का जो फीड है ना दोस्तों, वो लाने के लिए मेरे घर से 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसके बाद ही इन लोगों का फीड मिलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले आया फार्म पर, और यहाँ पर देखिए पटेर का जो फीड है ना दोस्तों खत्म हो गए हैं। इनको ना फीड खाने के लिए देना होगा, और हमारे जो गिनी फॉल है ना उनको भी फीड देना होगा। हमारा सभी गिनी फॉल यहाँ पर है देखिए, तो इनको ना फीड अभी का अभी देना होगा दोस्तों। इतने ही बटर के लिए काफी है। हमारे जो बटर है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए सभी यहाँ पर आ गया है, तो चलिए इनको फटाफट खाने के लिए देते हैं। रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, ये देखिए खाने के लिए कैसा करते हैं ये लोग। अरे एक तो नीचे गिर गया, जाओ 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 जाओ, खाना खा लो जल्दी से जल्दी से। अब दोस्तों झगड़ा शुरू होगा। ये लोग एक्चुअली काफ़ी झगड़े भी करते हैं, आप सभी को पता है, तो इस डर को मैं बंद कर दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी वाटर है, और वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिनी फॉल के लिए इसके अंदर देने वाला हूँ। हमारा जो गिनी फॉल है ना दोस्तों वो फीड को फेंक देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और 4 किले इतना ही काफ़ी है, तो यहाँ पर रखते हैं। आ जाओ आ जाओ खाने के लिए आ जाओ। ये देखिए सभी यहाँ पर है, जाओ 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 फीड खाना है, जाओ जाओ। ये देखिए चारों के चारों यहाँ पर आ गया है खाने के लिए। 3 तो खा रहे और एक को क्या हुआ पता नहीं, जाओ 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 जाओ। ये देखिए जो कहा था वही हुआ, ये लोग गिरा दिया फीड को। कैसे यहाँ से ना हमारा टर्की आ रहा है, एक्चुअली ना मुझे देखा तुरंत यहाँ पर आ रहे। देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं फीड देने वाला हूँ। तुम्हारा फ्रेंड का है यार, अकेला आ रहे। देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो टर्की को ना मैं यहाँ पर फीड देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया, आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं आ जाओ, हाँ खा लो। कैसे हमारा तो मेल आ गया, बट फीमेल कहाँ पर है पता नहीं, चल इसको ढूंढते हैं एंड यहाँ पर ना लाते हैं। कैसे हमारा जो फीमेल है ना ये यहाँ पर, ये देखिए ये मुर्गियों के साथ है, बकरियों के साथ घूम रहे। चलो 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 चलो, हाँ चलो मेल के बाद चलो, जाओ 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 जाओ। दोस्तों दोनों एक दूसरे को बुला रहे, जाओ जाओ जाओ। ये देखिए मेल ना यहाँ पर आ गया, चलो 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 चलो, हाँ दोनों चलो, हाँ फीड खा लो, खाओ खाओ खाओ। मेल ने बहुत सारा फीड खा लिया, तो फिर से ना मुझे यहाँ पर और थोड़ा कुछ देना होगा। अभी दोस्तों मस्कोबी डक्स को थोड़ा लेयर फीड खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वाटर है, यहाँ पर मैं ना फीड डालता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाने के लिए आ जाओ। थोड़ा कुछ ज़्यादा मात्रा में ही देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, आप सभी को पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाने के लिए आ जाओ। इसके अंदर दोस्तों लेयर फीड दे दिया, और हमारा जो डक्स है यहाँ पर है, ये लोग भी खाना शुरू की है। बहुत ही जल्दी ये लोग खा के ख़त्म करेगा, काफ़ी स्पीडली खाते हैं। हमारा जो मेल है ना दोस्तों, इसका जो सर है क्या ही बताओ लोगों को, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए इसका सर है ना, बहुत ही क्यूट। दोस्तों आप सभी को पता है इस रूम के अंदर 4 सेमी एडल्ट रैबिट है, उनमें से एक रैबिट को हमारा एंजल ने अटैक किया था, और उसमें जो एक आँख है ना उसको क्या बताओ लोगों को, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, इतना ज़ोर से हमला किया था, मैं उनको दिखाता हूँ। ये वाला तो खरगोश है ना दोस्तों, ये देखिए इसकी आँखों में हवा पर हमला किया था, और देखिए कितना कीचड़ जमा हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहले साफ करते हैं, एंड उसके बाद दोस्तों मेडिसिन वगैरह लगाते हैं। अगर रैबिट की आंखों में कोई इन्फेक्शन होते हैं ना,
तो ये वाला मेडिसिन मैं यूज करता हूँ, ये है आई ड्रॉप्स सी फ्लॉक्स, ठीक है। इसके आंखों में 3-4 ड्रॉप्स में डालता हूँ। रुको, 2-3-4 इतना ही दोस्तों काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि ना बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर से इसको वापस यहाँ पर रखते हैं। और अभी दोस्तों मुझे गिनीपिग्स को थोड़ा कुछ फीड वगैरह देना है, बट उससे पहले दोस्तों हमारा जो वाइड है ना उनको मैं ब्रीड देने वाला हूँ, इनको काफी भूख लगा है, तो चलिए थोड़ा कुछ ब्रीड इनको खाने के लिए देते हैं। दोस्तों ये आ गए हैं व्हाइट हेड के लिए ब्रीड, तो चलिए इनको भिगो के व्हाइट हेड को खाने के लिए देते हैं। देखिए हमारा जो वाइट है ना इनको काफी भूख लगा है, इसको दोस्तों टुकड़े टुकड़े करके देना पड़ता है, नहीं तो ये लोग काफी झगड़े भी करते हैं। तो ये मैं दे दिया, ठीक है। और वहाँ पर दोस्तों हमारा सेटअप का काम चल रहा है, तो वो भी मैं लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग इस ब्लॉग के साथ बने रहे। तो यहाँ पर जो फीमेल है ना उनको भी देना है, रुको दे रहा हूँ, ये ले लो। हमारा एंजल भी यहाँ पर आ गई है, इसको ना ये हम नहीं खिला सकते, मतलब रैबिट को ब्रीड वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो ऊपर जो फीमेल है वो भी देना है, आ जाओ खा लो, ये किस तरह खाते है। तो यहाँ पर उनको और थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जरूरत है, बहुत सारे बच्चे हैं। ये देखिए खाओ, काफ़ी मज़े से खाओ यार। कस्बा का सेटअप का जो वाटर है ना दोस्तों, आज देखिए कितना क्लीन लग रहा है ना। एक्चुअली परसों में वाटर को सेंस करके नया वाटर डाल दिया, और देखिए अभी तक ये क्लीन है, और हमारा जो टर्टल्स है ना ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए तीनों एक साथ है ना, तीनों के तीनों काफ़ी खुश है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली हमारा सेटअप का काम शुरू हुआ है, यहाँ पर देखिए काम चल रहे हैं। और सबसे पहले हम पोस्ट डालेंगे, ठीक है, उसके बाद ही वॉल वगैरह घर वगैरह बनेगा। ये देखिए हमारा डक्स भी यहाँ पर आ गया है। एक्वेरियम के सभी फिश को फीड खिलाया गया है। ये देखिए हमारा जो रूपचंद है ना दोस्तों धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, और मोली फिश के जो फ्राइज है ये लोग भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और हमारा जो कम्युनिटी टैंक है इसको मैं एक्चुअली कम्युनिटी टैंक बनाऊँगा। ये देखिए ये है रगोटीला, वहाँ पर थोड़ा कुछ श्रीम है ये वाला जो श्रीम देख रहे हैं ना इनके पेट में ना दोस्तों अंडे हैं, और मुझे लगता है दोस्तों ये लोग यहाँ पर ही बच्चे देने वाले हैं। और इस टैंक के अंदर दोस्तों 4 मोली फिश है, उनमें से 3 फीमेल है। कुछ दिन पहले एक फीमेल मोली फिश मर गया, और अभी यहाँ पर 3 फीमेल है, एक तो ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये और ये तीनों मोली फिश प्रेग्नेंट है गाइस। पता नहीं फीमेल मोली फिश कब बच्चे देगी। दोस्तों यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।